आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड ना इस क्वेश्चन में हमसे दिया है कि इन अ मूविंग क्वाइल गैलेनोमीटर किसी मूविंग क्वाइल गैलेनोमीटर में जो टॉर्क ऑन द क्वाइल है उसको एक्सप्रेस करते हैं के से वेयर आई इज द करंट थ्रू द वायर आई क्या है करंट थ्रू द वायर है एंड के इज कांस्टेंट ये क्या है कांस्टेंट है द रेक्टेंगुलर क्वाइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स एन जो रेक्टेंगुलर क्वाइल है उसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स है एरिया ए है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है ओके इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बी और वो मैग्नेटिक फील्ड बी में क्या है प्लेस्ड है तो हमें फाइंड करना है कि के को टर्म K जो है इन टर्म्स ऑफ एन आई ए बी के टर्म्स में क्या करना है फाइंड करना है द टोरिजन कॉन्स्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इफ करेंट आई नॉट प्रोड्यूस प्रोड्यूसलेक्शन ऑफ पाई बाई टू इन द क्वाइलिजन कॉन्स्टेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी जब करंट की वैल्यू आई नॉट है और उसमें डिफ्लेक्शन कितने का है पाई बाई टू का है और सी केस में उसने हमसे क्या पूछा है द मैक्सिमम एंगल थ्रू विच द क्वाइल इज डिफ्लेक्टेड इफ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड थ्रू द क्वाइल अगर जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा क्वाइल में वो कितना होगा अगर उस पर क्यू चार्ज कर दिया जाए प्लेस्ड कर दिया जाए इंस्टेंटेनियसली ओके एनी अदर डैम्पिंग अगर ऑसिलेशन हो रहा है या मैकेनिकल ऑक्सीलेशन तो उसको क्या करना है इग्नोर कर देना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है टॉर्क जो मूविंग क्वाल गैलनोमीटर होता है तो उसके लिए जो हमारा क्या होता है टॉर्क होता है टाउ क्या होता है एम क्रॉस बी तो इसको मैं लिख सकता हूँ एम बी साइन थीटा और थीटा की वैल्यू उसने मेंशन कर दिया है कि ये कितनी है मैक्सिमम है 90 डिग्री के इक्वल है तो ये क्या आ जाएगा एम बी टॉर्क आ जाएगा हमारे पास तो टॉर्क को जनरली हमारा फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला होता है मूविंग के लिए एन आई एंटू बी एन आई ए इंटू बी और स्मॉल आई करेंट को लेते हैं क्योंकि कैपिटल आई यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्जिया को भी रिप्रेजेंट किया है तो मैं स्मॉल आई को ही यूज करता हूँ तो यहाँ क्या होगा एन आई ए बी हो गया ये क्या हो गया टॉर्क हो गया हमारे पास और गिवन है हमारे पास टॉर्क के आई ये क्या है गिवन है तो दोनों को क्या कर देते हैं आपस में इक्वेट कर देते हैं तो इक्वेट कर देंगे तो के आई क्या आ जाएगा एन आई ए बी के इक्वल आ जाएगा तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी एन ए बी आ गई ओके तो के को हमें क्या करना था इनइट के टर्म्स में फाइंड करना था तो ये वैल्यू हमारी आ गई के की ओके अब बी केस देखते हैं बी केस में हमसे क्या पूछा है उसने कि जो टोरिजन कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी तो टोरिजन तो कॉन्स्टेंट जो होता है सी ये क्या होता है सी इज टू टाउ बाई थीटा होता है ओके टोरिजन कॉन्स्टेंट तो टाउक तो हमारा क्या होता है एन आई ए बी अपॉन थीटा हो गया अब क्वेश्चन में उसने बोला है कि आई की वैल्यू क्या है आई नॉट के इक्वल है और मैक्सिमम रिफ्लेक्शन कितने का दे रखा है पाई बाई टू का तो ये वैल्यूज पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा एन आई नॉट ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा पाई बाई टू ए क्या है एरिया है बी मैग्नेटिक फील्ड है एन नंबर ऑफ टर्स है okay? तो ये टू क्या होगा ऊपर चला जाएगा और सी की वैल्यू क्या जाएगी? C की आ जाएगी सी की वैल्यू आ जाएगी टू एन आई नॉट ए बी अपॉन में क्या आ जाएगा पाई ये हमारा क्या गया टॉरिजन कांस्टेंट आ गया ठीक है अब हमारे पास जो सी पार्ट है उसमें हमसे पूछा है कि उसमें जो मैक्सिमम एंगल रिफ्लेक्ट होगा ये क्या करना है फाइंड करना है ओके okay? तो सी पार्ट को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं तो थीटा फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसमें देखते हैं कि कितना मैक्सिमम एंगुलर इम्पल्स क्रिएट हो रहा है ठीक है तो एंगुलर जो इम्पल्स होता है मैक्सिमम वो क्या होगा टाउ इंटू डी होता है तो ये मैक्सिमम एंगुलर इम्पल्स है ओके तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी टाउ है हमारा एन आई ए बी इंटू डी ओके ये हमारा क्या हो जाएगा तो एन ए बी ये कॉन्स्टेंट टर्म है आई डी टी ये वैल्यू आ जाएगी हमारी एंगुलर इम्पल्स की तो आई इंटू डी टी क्या होता है इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आई इंटू टी हो जाएगा और आई इंटू टी क्या होता है क्यू होता है तो इसको मैं लिख सकता हूँ एन ए बी इंटू क्यू उसने यही दिया हुआ है हमारा कि उस पर इंस्टेंटेनियस चार्ज क्या है क्यू है तो ये हमारा एंगुलर इम्पल्स आ गया और एंगुलर इम्पल्स की वजह से क्या होगा एंगुलर मोमेंटम डेवलप होगा ओके ड्यू टू एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम डेवलप्ड जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या हो जाता है डेवलप्ड हो जाता है तो तो यहां से मैं लिख सकता हूं टाउ डी क्या हो जाएगा टाउ डी ये वैल्यू कितने के इक्वल आ जाएगी ये वैल्यू आ जाएगी हमारी इक्वल किसके आई ओमेगा आई ओमेगा क्या होता है एंगुलर इम्पल्स होता है ओके okay? तो आई ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी दिस इम्प्लाइज दैट आई ओमेगा हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर रखी है ये कितने के इक्वल है एन ए बी क्यू के इक्वल है ओके okay? तो यहां से हमारा ओमेगा जो आ जाएगा ओमेगा आ जाएगा एन ए बी क्यू अपॉन आई क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड करना है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मतलब थीटा और थीटा फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ओमेगा पता होना चाहिए तो यहाँ से अब हम देखते हैं कि तो यहाँ पे जो हमें ओमेगा मिला है इस ओमेगा की वजह से क्या होगा मतलब ये जो एंगुलर मोमेंटम डेवलप हो रहा है इस एंगुलर मोमेंटम की वजह से क्या होगा रोटेशन होगा तो हमारी जो रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी होगी रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी इसकी जो वैल्यू होगी ये क्या होगी हमारी one upon two, I omega square के इक्वल होती है। ओमेगा हमने फाइंड किया हुआ है तो ये अपॉन आई स्क्वायर आ जाएगा तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी वन अपॉइंट टू एन स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आप ऑन में क्या आ जाएगा आई आ जाएगा ओके okay? ये वैल्यू आ गई हमारे पास तो ये हमारी क्या आ गई रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी आ गई तो अब हमें क्या फाइंड करना है डिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो ये जो कैनेटिक एनर्जी होगी रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी ओके दिस रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी ओके ये इक्वल होगी क्या वन पॉइंट टू टोर्जनल कॉन्स्टेंट इन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के इक्वल होगी ओके ये हमारा C क्या होता है टॉर्जेनल कांस्टेंट होता है तो यहाँ से हम क्या करते हैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं तो दिस इम्प्लाइज दैट वन अपॉन टू C थीटा मैक्सिमम इस कॉल्स टू वन अपॉन टू n स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर q स्क्वायर अपॉन क्या आ गया अपॉन में आई आ गया ओके तो हमें क्या फाइंड करना है थीटा मैक्सिमम फाइंड करना है तो थीटा स्क्वायर मैक्सिमम जो होगा ये कितना आ जाएगा टू से टू तो कैंसिल हो जाएगा एन स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन आई इंटू सी ओके तो सी हमारा क्या है ओरिजिनल तो कॉन्स्टेंट है इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है ये इसको क्या करते हैं अपने वैल्यू में पुट कर देते हैं तो थीटा स्क्वायर मैक्सिमम ये क्या आ जाएगा वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा पाई एन ए बी क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा टू आई नॉट आई तो अब थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में क्यू तो जो स्क्वायर है वो टर्म बाहर आ जाएगा पाई एन इतना ही यही क्या है क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट नीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर